सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन पक टैक टीवी सुपर चैट लाइव में ताहिर गोरा आपको इस हफ़्ते की शुरुआत के मौका पर खुश आमदीद कहता है और आज का हमारा करंट अफेयर्स का एजेंडा है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने आज ही ट्वीट किया और याद किया इक्कीस बरस पहले उस दिन को जब पाकिस्तान के डिक्टेटर चीफ द आर्मी स्टाफ तब के जनरल मुशरफ़ ने कू किया था और उनकी हकूमत को गिराया था ये है वो सीन और उसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे इस वीकेंड पर जो वाशिंगटन में एक वेबिनार कॉन्फ्रेंस हुई सात फोरम की साउथ एशियन्स है एक ग्रुप है अगेंस्ट टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स साथ एस ए टी एच साउथ एशियंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड फॉर ह्यूमन राइट्स ये उस फोरम का जनाब हुसैन अकानी साहब पाँच बरसों से इसकी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस बरस वर्चुअल हुआ और मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि मैं भी उनकी टीम का हिस्सा हूँ उसमें क्या बातें हुई उस पर भी बातचीत होगी दिल्ली राइट्स 2020 पर जो बुक लिखी गई उसका भी एक वेबिनार और यू बुक लॉन्च हुआ वो भी बहुत इम्पोटेंट खबर है और उसके साथ साथ इमरान ख़ान ने वही ब्लेम गेम फिर खेली उन्होंने दो रोज़ पहले फिर ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान में ये जो शिया सुन्नी आ, राइट्स हैं या जो जीनोसाइड है शिया का या ये जो फसाद बढ़ रहा है उसके पीछे भारत है प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वीकेंड पर भी ख़बरों का चर्चा बने रहे इसलिए कि उन्होंने हॉस्पिटल से आने के बाद व्हाइट हाउस में पब्लिक से भी एक तरह से एड्रेस किया और धुआंधार स्टेटमेंट्स दी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने धुआंधार अटैक किया ये भी आज हमारे एजेंडे का मौजू है और मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर सके तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ आप आ, हमें अपने इस सुपर चैट में क्वेश्चंस भी लिखिए इसमें आप हमें ट्वीट भी कीजिए जो जो हम बात कर रहे हैं जो जो भी आप ट्विटर अकाउंट पे हैं और आप हमें अपने कमेंट्स भी लिखिए और एज़ यूजल आप हमें डोनेट और कंट्रीब्यूट भी कीजिए इस वक्त हम जुड़े हुए हैं सुपर चैट में टैग टीवी के करंट अफेयर्स के बहुत सारे मौजूद हैं लोडेड एजेंडा है, है वीकेंड गुजरा है और वीकेंड गुजरने के बाद एज़ यूजल बहुत सारी बातें इकट्ठी होती हैं लेकिन जब बातें इकट्ठी होती हैं तो आपको भी ये परेशानी होती है मुझे भी ये परेशानी होती है कि हम हर बार या हर दूसरे रोज़ क्या नई बात करेंगे देखिए बातें नई भी निकलती हैं इश्यूज़ पुराने हैं मगर उनमें से हर रोज़ एक नया एंगल निकलता है उसी एंगल के लिए आप हमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं उसी एंगल के लिए आप हमें बहुत सारे जो हैं अपने कमेंट्स भी देते हैं लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप हमें हमारे पेपॉल के अकाउंट पर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ट्वेंटी फोर सेवन द ईयर पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल एजेंडे पर हम आते हैं सीधा और बातचीत आप करते हैं अभी आपको हम एक नवाज शरीफ की आज ही की एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं जिसमें नवाज शरीफ कहते हैं कि बड़ी खुल के बात करते हैं वो ये कहते हैं कि ट्रिय यानी गद्दार कैप्चर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद 12 अक्टूबर 1999 नाइन्टी नाइन टू अरेस्ट एन एलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैद कायद आजम हैद कायद आजम डायरेक्शंस एट स्टाफ कॉलेज कोइटा इन 1948 बिन फॉलोड वी वुड हैव नाइदर लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान नॉट नॉट सफर्ड मिलिट्री टेक ओवर्स नवाशिर साहब ने ये खुलकर बात की और उन्होंने याद किया आज से इक्कीस बरस पहले इस दिन को कि ये मिल्ट्री का कून हुआ होता अगर पाकिस्तान की आर्मी ने कॉन्स्टिट्यूशन और मिस्टर जिन्ना की बात को फॉलो किया होता कि आर्मी अलग रहेगी खैर मिस्टर जन्ना कितने विजनरी थे और क्या बातें कि वो अपनी जगह पर एक आ, डिबेटेबल बात है मगर ऑफ कोर्स जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कोई ना कोई रेफरेंस बना के अपना पॉलिटिकल नैरेटिव देते हैं नवाज शरीफ की ये बात दुरुस्त है कि अगर मिलटरी ने पाकिस्तान के अफेयर्स पर इंटरफेरेंस ना की होती तो इस तरह के ब्लैक डेज ना पाकिस्तान की आवाम को देखने को मिलते उस रीजन में भी पीस आता पाकिस्तान की मिल्ट्री क्यों पाकिस्तान के, के प्राइम मिनिस्टर्स को हटा देती है उनको काम नहीं करने देती सेवेंटी थ्री ईयर्स में एक प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पाँच साल की टर्म पूरी नहीं कर सका उसका एक ही बड़ा कारण है कि मिलिट्री ने अपनी हजमनी और अपनी जो बर्तरी है उसको कायम रखना होता है और वो हजमनी और बर्तरी को कायम रखने के लिए वो इंडिया के ख़िलाफ़ प्रापागेंडा करते हैं इंडिया ऑब्सेशन सारी की सारी पॉलिसी है और कश्मीर कार्ड खेला जाता है और उसको ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स बना के प्राइम मिनिस्टर्स को भी सैक कर दिया जाता है और पाकिस्तान की आवाम का भी जीना मुहाल हो जाता है और उस रीजन में पीस की सारी जो अटैम्प्ट वो धरी की धरी रह जाती हैं बातचीत कर रहे हैं सुपर चैट लाइव में आज हम आपके साथ 12 अक्टूबर का दिन है 12 अक्टूबर वो दिन है 21 बरस पहले जब नवाज शरीफ की दूसरी सरकार को उन्होंने कू करके सैक कर दिया था और फिर उसके बाद मार्शला आलमोस्ट आठ साल रहा मार्शला कई शक्लों में रहा पहले मार्शला हुआ फिर उसके बाद जैसा कि ड्रामे होते हैं मुशरफ़ ने एक सिविलियन फेस की गवर्नमेंट्स भी कई बनाई और वो दिन आज हम सुपर चैट लाइव में याद कर रहे हैं अभी आपके क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गए हैं आपकी कमेंट्री भी आना शुरू हो गई है आपकी डोनेशन और कंट्रीब्यूशन भी शुरू हो चुकी है हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं और मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ टैग टीवी का जो पे पॉल का अकाउंट है पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी इंटरनेशनल पर आप हमें ट्वेंटी फोर सेवन अराउंड द ईयर कॉन्ट्रीब्यूट डोनेट कर सकते हैं बहुत जल्द बहुत बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं कि टैग टी के राही हम किस तरह आगे अब नेगेटिव के इस परिवार को लेके जा रहे हैं मैं इससे पहले के कुछ वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करूं। नवाज शरीफ ने जो आज का ट्वीट दिया उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये ब्लैक डे ना देखना नसीब होता अगर मिस्टर जना की बातों पर अमल हो जाता फिर उन्होंने मिस्टर जना की एक पिक्चर भी जो उनकी कोटेशन के साथ है वो लगाई अपने ट्विटर अकाउंट पर हम देखते हैं मिस्टर जना की ये पिक्चर मिस्टर जना ने कहा था आप कब कहा था यह कितना सच है मगर इसको रेफरेंस बनाते हैं मिस्टर सुजना ने कहा था 1948 में कोयटा में कि डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी इट इज़ वी द सिविलियंस हु डिसाइड दीज इश्यूज एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू कैरी आउट दीस टास्क विद विच यू आर इंट्रस्ट बहुत अच्छा जुमला है बहुत बढ़िया बात है अगर उनके रेफरेंस से ये बात है ये बात तो अपनी जगह पे दुरुस्त है और लेकिन बिल्कुल इसके उलट हुआ इसमें कोई शक वाली बात नहीं आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देखेंगे 12 अक्टूबर 1999 की जब आर्मी ने उस वक्त के पाकिस्तान के टेलीविज़न स्टेट टेलीविज़न पी के अंदर अटैक किया उस पर कब्जा किया उनकी नशरियात को अपने काबू में किया उनकी ब्रॉडकास्ट को अपने काबू में किया और आप देख रहे हैं कि किस तरह जंगले फलांग कर ये आर्मी अपने जर्नलों के हुक्म को मानते हुए कू कर रहे हैं अनबिलीवेबल मगर सिचुएशन वैसी की वैसी है हालात कोई बहुत नहीं बदले और अनफॉर्चुनेटली कुछ का तो ये कहना है कि पहले से भी ज़्यादा बुरे हुए उन्हीं हालात पर कमेंट्री की है सात कॉन्फ्रेंस की पाँचवें साल की सेशन के मौका पर दो दिन कॉन्फ्रेंस हुई अक्टूबर टेंथ अक्टूबर एलेवंथ यानी इस वीकेंड पर और हुसैन अकानी साहब ने खुलकर जो बातें और बहुत अहम पॉलिटिशनस थे जनाब मोहसिन दावड़ भी वेबिनार की सूरत में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आए अफरा सयाब खट साहब भी थे बुशरा गौहर भी थी और उसके साथ साथ जनाब फ़रतुल्ला बाबर साहब भी थे लई इसमाइल मारवी सरमत गुल बुखारी मुजे तहा सद्दीक़ी खुद हसैनकानी साहब डॉक्टर तकी़ डॉक्टर रुबीना शेख और डॉक्टर सागर शेख और बहुत सारे साथियों ने उस पर अपने ख्याल का इज़हार किया माइनॉरिटीज के इशूज़ पर भी बात हुई जो उनकी प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में होती है उस पर भी बात हुई और बहुत सारे इशूज़ पर बात हुई इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने को दस बारह रोज़ पहले ही अपने एक, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि हुसैन अकानी और उनका जो टोला कर रहा है आर्मी के खिलाफ वो आ, वो अच्छी बात नहीं मैंने ये वीडियो क्लिप आपको पहले भी दिखाया था कुछ दिन पहले दोबारा आज आपको दिखाता हूँ देखिए और सोनिया फिर बात को आगे लेकर चलते हैं हम उनको मुरुद निज़ाम तो ठहराते हैं भाई उन्होंने तो कब्जा किया हुआ है वो तो इतने आसानी से ये पावर देने वाले नहीं है अगर अब हमने उस आ, उसे उसे छीनना है या उसको वापस पार्लियामेंट को दिलवाना है तो हमें क्या करना होगा हमें सबसे पहले तो अपने माजी के जो किरदार है उसकी भी थोड़ी सी इसलाह करनी होगी उसकी भी तो आ, आ, आ उसकी भी तो थोड़ी स्टडी करनी होगी कि भाई जब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर एग्री कौन बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर जो हिंदुस्तान लॉबी को अपना बड़ा डेमोक्रेट बन रहा है पाकिस्तान की फिक्र में हुसैन कानी वो वहां बाहर बैठा हुआ है वो पूरी हम वो पूरी कैंपेन चलाते वहां बाहर बैठ के यहां जो बेचारे नादान लिबरल्स बने हुए हैं वो भी अपनी अप, जी हम फौज के अगेंस्ट हैं मैं इनको कहता हूं खुदा के वास्ते आंखें खोलो अपनी तो आपको हमने इमरान खान का वो क्लिप दिखाया जिसमें वो हुसैन कानी साहब का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हुसैन कानी और उनके जो दोस्त हैं जो लिबरल्स हैं बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो नदान लिबरल्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मकम्मल तौर पर आ, एक तरह से इस ऑब्सेशन का शिकार हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई बात ना चली जाए जब हम आपको ये वीडियो दिखा रहे थे तो उससे पहले मोहसन दावड़ जी का एक वीडियो हमसे चल गया वो हम आपको दोबारा आप दिखाते हैं कि मोहसन दावड़ जी क्या कहते हैं पहले वो सुन लीजिए इस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने ये बातचीत की है हम उनको निज़ाम तो ठहराते हैं भाई उन्होंने तो कब्जा किया हुआ है वो तो इतने आसानी से ये पावर देने वाले नहीं है अगर अब हमने उस उस उसे छीनना है या उसको वापस पार्लियामेंट को दिलवाना है तो हमें क्या करना होगा हमें सबसे पहले तो अपने माजी के जो किरदार है उसकी भी थोड़ी सी इसलाह करनी होगी उसकी भी तो आ, आ, आ उसकी भी तो थोड़ी स्टडी करनी होगी कि भाई जब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर एग्री हो भी गए थे उसके बाद क्या हुआ उसके बाद तो दोनों पार्टियों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई एक डिक्टेटर को हमने कुर्सी से हटाया भी लेकिन फिर फिर क्या हुआ फिर फिर उसके बाद जो बाकी उस पर आ, अमल, आ, नहीं हुआ? तो इन, इन बिल्कुल ही आ, 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 आखरी चांस है ने कल की सात कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंटरनेट पर आते हुए लिंक के जरिए आकर अपनी बहुत सारी बातें की हम आने वाले दिनों में उनकी बहुत सारी बातें शेयर करेंगे मगर आज उन्होंने जो बातें हमने आपको दिखाई इस क्लिप में इसमें वो दोनों बातें हैं एक तो सात कॉन्फ्रेंस में उनकी पार्टिसिपेशन है जो इमरान ख़ान का कंसर्न है हुसैन अकानी साहब की कॉन्फ्रेंस में और दूसरा जो मोहसिन दावड़ ने नवाज़ शरीफ को भी इसमें एड्रेस किया है और पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियों को भी एड्रेस किया उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि आर्मी ने अच्छा नहीं किया लेकिन ये सब कुछ माजी में भी हुआ बहुत बार लेकिन जब आप फिर पावर में आते हैं तो आप इनफैक्ट उन रियलिटीज को मटीरियलाइज नहीं करते यही ख़राबी है उन्होंने पॉलिटिशियंस को अपोजिशन पार्टीज़ को भी वॉन किया उन्होंने कहा कि ये इस तरह की स्टेटमेंट से सिर्फ बात नहीं चलेगी ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट जरूर है मगर जब तक इन पर आपका अमल नहीं होगा बात नहीं आगे बढ़ेगी ये है इंपॉर्टेंट बात जो आ, जी ने की अब जो इमरान खान ने बात की हुसैन अकानी जो हैं अमेरिका में बैठे हुए भारत के कहने पे पूरा प्रोपगेंडा चला रहे हैं अच्छा अगर भारत को अच्छी बात करता भी है इंटरनेशनल सीन में जो आपके हक में है पाकिस्तान के या उस रीजन के हक में है तो आपका क्या प्रॉब्लम है भारत तो अपना नेरेटिव देगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा तो आपको उसमें क्या है टेररिज्म भारत कहता है टेररिज्म ना करें तो टेररिज्म ना करें इसलिए कि टेररिज्म आपके नुकसान में है क्यों करते हैं यानी पाकिस्तान के नुकसान में है ना टेर्रिज्म अब भारत को उस कश्मीर में प्रॉक्सी टेररिज्म करने से नुकसान होता है मगर कितना को हुआ पाकिस्तान का खुद ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो क्या फायदा है इन सब बातों का हुसैन अकानी साहब ने फिर इस कॉन्फ्रेंस में उस नुक्ता को एड्रेस किया जो इमरान खान ने 10 12 रोज पहले कहा तो हुसैन अकानी साहब क्या कहते हैं सुन लीजिए हालांकि मैं हमेशा यह कहता हूं कि अगर मुझ जैसे नाचीज से आप लोगों को खतरा है तो फिर आप जरा अपनी तोानाई और ताकत के ऊपर नजरसानी षानी फरमाई क्योंकि तो अगर ये हम थोड़े से लोगों की वजह से वो मैंने एक दफ़ा एक कता भी कहा था कि मुल्क या फौज को है क्या खतरा मुल्क या फौज को है क्या खतरा कुछ सवालों से कुछ जवाबों से और मर्द आहन को खौफ क्यों हो भला मर्द आहन को खौफ क्यों हो भला चार मिस्रों से दो किताबों से लेकिन उनको ये खौफ है मगर ये लड़ाई है। हुसैन गी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मर्दे आहन यानी फौज आपने को मर्दे आहन कहती है ना पाकिस्तान की उनको क्यों खतरा है दो किताबों से और चंद जुमलों से इमरान खान जो इसी फौज के पपिट प्राइम मिनिस्टर हैं उनको क्यों ख़तरा है और पाकिस्तान की आर्मी क्यों साथ फोरम और हुसैन अकानी के पीछे पड़े रहते हैं और क्यों ट्रोल्स सोशल मीडिया पे अटैक करता रहता है सिर्फ़ चंद जुमले चंद ट्वीट्स दो चार किताबें जो हुसैन अकानी साहब ने लिखीं चंद किताबें हमारे और साथियों ने लिखी तो अगर इससे पाकिस्तान की इतनी बड़ी जो मिलिट्री स्टैबलिशमेंट को ख़तरा है तो फिर तो ये कोई बहुत बड़ी इस्टेबलिशमेंट नहीं है बहुत स्ट्रांग नहीं है ये तो हम चंद लिखने वालों से अगर डरी रहती है तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है फिर तो इसका मतलब यह है कि ये आवाम का जो डॉलर्स अब तक खा चुके हैं वो बेकार है मैं ये नहीं कहता कि हम चंद जो लिखने वाले हैं जो इनके लिए एक थ्रेट बने हुए हैं उनको ये स्नब करें उनके लिए ये कोई ऑपरेशन करते फिरें इनकी ऐसी कि तैसी ये कर भी नहीं सकते ये करके भी दिखाएं लेकिन सवाल ये है कि ये एटीट्यूड क्यों है ये डिक्टेटोरियल माइंडसेट क्यों है भाई आप उस रीजन में अपनी आवाम को भी सुख से रहने दो और अपनी आवाम के जो अरबों डॉलर्स खा रहे हो हड़प कर रहे हो कश्मीर के नाम पर भारत दुश्मनी के नाम पर वो बंद करो वही उस आवाम गरीब आवाम की वेलफेयर उनकी बेहतरी के लिए लगे तो ये सूरत हाल है जो बड़ी ही अफसोसनाक है हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं और साथियों को ये ख्याल होता है कि हर दूसरे रोज़ बातें आती हैं और हर दूसरे रोज़ हम क्या नई बात लाएँगे वही नेरेटिव है तिहत्तर साल से कश्मीर का इशू है वही नेरेटिव है हिंदू दुश्मनी का अफसोस की बात है जिसकी बिना पर कंट्री बना था कि हम अलग अलग हैं जो बहुत बुरी बात हो गया था एक बुरा काम उसको ख़त्म होना चाहिए ये वो बातें जिस पर बातचीत चलती रहती है और फिर नए एंगल्स आते हैं नई डिवेलपमेंट्स आती है नया डिस्कोर्स आता है और हमारा सुपर चैट लाइव आपके साथ हर दूसरे रोज़ होता है उसकी इनफैक्ट गुंजाइश तो हर रोज़ की है लेकिन जो जो हमारे पास पासोर्स बढ़ेंगे हम ऐसा करेंगे आपके रिसोर्स हमें जो पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल के ज़रिए आपकी जो छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन आती हैं हम बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं वो छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको हमारे साथ एंगेज कर रही हैं हमें आपके साथ एंगेज कर रही है और आने वाले दिनों में शायद कोई ऐसा एक नेरेटव बनेगा कि हम बड़े काम कर सकें और इसके साथ साथ जो आपकी कमेंट्री आपके कंसर्नस कमेंट्स आते हैं वो भी हमारे लिए बहुत पॉटेंट है और थोड़ी सी बातचीत हम आगे चल के फैटफ के हवाले से भी करेंगे डेली राइट्स का भी मैंने जिक्र किया यू एस के जो इलेक्शन उस पर भी बात होगी अभी बातचीत हो रही है साथ कॉन्फ्रेंस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने अटैक किया था कुछ दिन पहले हुसैन अकानी साहब का आपने जवाब सुना बड़ा सीधा सा जवाब है पाकिस्तान की एक बहुत ही सीजनड और बहुत ही सोबर पॉलिटिशन सेनेटर बुशरा गौहर जिनका तल्लक के पी के से है आ, वो भी आ, हमारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती हैं वेबिनार कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी इस बार बहुत अच्छी बातें की इन सब की बातें मैं आने वाले दिनों में अलग अलग क्लिप्स में आपके साथ शेयर करूंगा आज मैं सिर्फ आपको अहवाल दे रहा हूं उन्होंने भी इमरान ख़ान ने जो साथ कॉन्फ्रेंस का एक तरह से नेगेटिव जिक्र किया था उन्होंने साथ फोरम को और हम सब को मुबारकबाद दी कल की अपनी स्पीच में उनका वो वीडियो क्लब देखिए और आइन की बालादस्ती के लिए जो डिबेट शुरू किए हैं सात फोरम ने तो उसका हीट जो है तो वो पपेट पीएम तक पहुंच गया है तो ये तो मुबारक बात की बात है एक पपेट पीएम और उसके सिलेक्टर्स को ये हीट पहुंचना चाहिए तो यू आर डूइंग समथिंग राइट एंड आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस एंड दिस डिबेट नीड्स टू कंटिन्यू इस कॉन्फ्रेंस के चार सेशन थे दो दिन में ये कॉन्फ्रेंस चली पहले दिन दो सेशन हुए दूसरे रोज़ दो सेशन हुए और दूसरे रोज़ जो सेशन हुआ उसका हम अभी थोड़ी देर में रफली टू फिफ्टीन पी एम पर लाइव स्ट्रीम करेंगे इन स्पीचेस को जो मोसन दावड़ की बुशरा गौहर साहबा की फरतुल्ल बाबर की और हुसैन कानी साहब की थी वो मैं 2:15 पीएम पर आ, आपके साथ लाइव स्ट्रीम पर आज ही करूँगा आप ज़रूर देखिएगा फिर हमारी जो 3:30 पीएम पे एम आलमोस्ट जो कल का पहला सेशन हुआ था माइनॉरिटीज़ के इशू पे, वो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे वो भी डेढ़ घंटे का वीडियो होगा वो भी देखिएगा और जो सैटरडे को इस कॉन्फ्रेंस के सेशन दो हुए थे और की नोट एड्रेस था जनाब अफरा साहब खटर का वो ऑलरेडी हमने कल लाइव स्ट्रीम कर दिया है और हमारे टैग टी वी के यूट्यूब चैनल पर और हमारा जो टी वी का यहाँ पर जो स्ट्रीमिंग है ट्वेंटी फोर सेवन वो जा चुका हुआ है आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की बुशरा गौर साहबा ने उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान अगर इतने नर्वस हैं साथ फोरम से और इसका जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि साथ फोरम यकीनी तौर पर कोई बहुत अच्छे काम कर रही है जो डेमोक्रेसी के लिए ह्यूमन राइट्स के लिए माइनॉरिटीज की प्रस्टिक्यूशन के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें हम उठा रहे हैं उसके हवाले से आ, हमारी जो कंट्रीब्यूशन हैं वो यकीनी तौर पर इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इतने अपसेट हैं और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपसेट हैं तो पूरी इस्टेबलिशमेंट अपसेट है और पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट बाय द वे ये पाँच साल से कॉन्फ्रेंस हो रही हैं हमारी पाँच साल से ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं ये जाने बगैर कि हम उनकी बेहतरी के लिए बात करते हैं कि उस मुल्क को आप ठीक कीजिए और उसको ठीक करने के नतीजा में उस रीजन में पीस आएगा बातचीत हो रही है पाकिस्तान के साउथ एशिया के हालात के हवाले से और इमरान ख़ान ने वही इंटरव्यू जिसमें उन्होंने साथ कॉन्फ्रेंस और हुसैनकानी साहब के लिए एक तरह से वार्निंग का एटीट्यूड अपनाया उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि भारत जो है वो शिया सुन्नी फसाद करा रहा है अच्छा ये बात तो दस बारह रोज़ पुरानी है इस इंटरव्यू में अभी ज़रा सूरत हाल पाकिस्तान में और ख़राब हुई है तो इमरान ख़ान ने दो रोज़ पहले ही ट्वीट किया है सैटरडे को ही ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत ज़िम्मेदार अब देखिए वो ट्वीट में क्या कहते हैं इमरान खान कहते हैं कन्डेम एबल टारगेटिंग केली ऑफ़ किलिंग ऑफ मौलाना Uh, Adil of Jamia, Farukiya, and Karachi this evening. My government has known, and I have rapidly stated this on TV since last three months uh, India's attempts to target, kill, uh, alims from Sunni and Shia sects to create sectarian conflict across the country. Chal ye bhi blame? Bharat ke khate mein kya? कि जी पाकिस्तान की हर जो वहाँ पे बुरी बात हो रही है वो भारत ही कर रहा है हम तो बड़े ही प्यारे मासूम और ग्रेट लोग हैं हमारा तो कोई कसूर ही नहीं होता आ, वो तो कोई मसला ही नहीं है बस भारत होता है तो करता है तो वही जो हुसैन अकानी साहब ने कहा कि हम राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स से आप इतने थ्रेटन रहते हो तो भारत तो फिर एक बड़ा कंट्री है और अगर आप इतना चैलेंज करते रहते तो, तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते आप तो अपने आप को संभाल ही नहीं सकते क्या हैं आप लेकिन बहरहाल ये ब्लेम गेम भारत को सिया सुन्नी से क्या चक्कर होगा भारत में आप 180 मिलियन के करीब 200 मिलियन के करीब मुस्लिम रहते हैं शिया भी हैं सुन्नी हैं हर स्कूल ऑफ थाट के हैं और बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को सवाए ब्लेम गेम के कोई काम नहीं आता अपना सुधार नहीं आता कोई काम नहीं आता बस ब्लेम 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 ब्लेम। ये आपने उनका ट्वीट देखा और उसी इंटरव्यू में उन्होंने शिया सुनी की बात पेशगी ही कर दी थी और वो खुद कहते हैं मैं तीन महीने से पेशगी बता रहा हूँ तो वो ज़रा सुन लीजिए वो क्लिप क्या कहते हैं इमरान खान ये जो हिंदुस्तान कोशिश कर हिंदुस्तान किस्मत कोशिश किया किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतजार फैलाए शिया सुनने की लड़ाई करवाए ये हमें पहले तीन महीने से पता था कि इन्होंने शिया सुने के अंदर पूरा इंतजार करने की कोशिश की पहले इन्होंने फैसला किया था शिया और सुनने के उलमा को कत्ल करवाए, करवाएंसेट करवाए, वो अल्लाह का शुक्र है हमारी एजेंसी से पकड़ लिया सही टाइम पे यहां इस्लामाबाद में दो दहशत गर्द ग्रुप पकड़े तो जो काम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट और उसके रोग एलिमेंट्स अपने अंदर प्लान कर लेते हैं वो पहले से ही बता देते हैं कि हमने ये प्लान कर लिया और ये इसका ब्लेम जो है ना वो हम इंडिया को देंगे तो ये हाल मसला अब वो आ, अलामा साहब का वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सैडली मर्डर होता है तो वो पहले से ही उन्होंने बता दिया इमरान ख़ान ने पेश की बता दिया कैसा चल रहा होगा आप इससे इनके माइंड सैट का ख़ुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं क्योंकि नया खेल नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट ने ख़तौर पर शिया जीनोसाइड अहमदिया जीनोसाइड और उनकी ज़िंदगी को जीवन बनाने का जो काम कई दहाइयों से शुरू कर रखा है वो उनके एजेंडे का आज भी वैसा ही हिस्सा है फ बहुत अफसोस की बात है उधर फैटफ की मीटिंग सर पर आ गई है गालबा इक्कीस बाईस तेईस अक्टूबर को आ, हो रही है मीटिंग और जो ख़बरें आ रही उनके मुताबिक जो फैटफ ने उनको फोटी इम्पॉटेंट टास्क दिए थे कम्प्लस दिए थे उसमें से जो ख़बरें आ रही उनके मुताबिक दो पर सिर्फ अमल हुआ है अब आने वाले दिनों में फैटफ में क्या डिसीजन होता है क्या पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा या जो उनको ख़तरा है इमरान ख़ान ने वो भी एंटिसपेट किया था महीना डेढ़ महीना पहले कि हम ब्लैक में भी जा सकते हैं यानी पहले ही वो ज़हनी तौर पर तैयार कर देते हैं और उन्होंने कहा था उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो भी भारत पे होगी मगर भारत से ज़्यादा उन्होंने अपनी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियों को ज़िम्मेदार ठहराया और उन्होंने ये कहा कि वो भारत का एजेंडा टो कर रहे हैं ऑफ कोर्स भारत तो ये कहता है कि आप टेररिज्म की फंडिंग कर रहे हैं आप टेररिज्म भी कर रहे हैं और आपके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है वो तो पूरी दुनिया कह रही है तो भारत भी कहेगा लेकिन उसमें भी ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के आ, ये जो आ, मैं बहुत स्ट्रॉग वर्ड अब यूज़ करता हूँ पपेट प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान सैडली तो ये सिचुएशन है वहाँ पर और बहरहाल 21 बाईस तेईस अक्टूबर को क्या डिसीजन होता है उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे वेबिनार्स की बात हो रही है सात कॉन्फ्रेंस के वेबिनार की बात हुई मैंने पिछले दिनों बात की थी आपके साथ कि इसी वीकेंड पर तय था कि डेली राइट्स 2020 बुक का जो यू एस बुक लॉन्च है वो होगा वो हुआ उसमें डॉक्टर डेविड फ्रॉली अभय अस्थाना जी आ, मैंने और न, जो राइटर्स हैं उस, उस बुक के उन्होंने भी आ, अपने पूरे के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू दिए मोनिका अरोरा थी सोनाली जी थी और प्रेरणा जी थी उन सब ने अपनी ओपिनियन दिए और जो पब्लिशर उसके गरुदा पब्लिशर प्रकाशन वाले हमारे दोस्त हैं संतक्रांत सानू जी उन्होंने भी पूरी सूरत को बयान किया मैंने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट की है कि हमें उसकी रिकॉर्डिंग के वीडियो क्लिप्स दिए जाएं तो जैसे ही मुझ तक पहुंचते हैं मैं उस पर भी आ, के साथ मज़ीद बातचीत को आगे शेयर करूँगा लेकिन ये बात ज़रूर तय है कि डेली रॉइट्स ट्वेंटी ट्वेंटी वेल प्लान्ड फॉरेन फंडेड रॉइट्स थे प्रेसिडेंट ट्रंप की वहाँ मौजूदगी के मौका पर राइट्स हुए और बहुत ही अफसोस की बात थी उन राइट्स के ज़रिए दुनिया में ये साबित करना था कि कम्यूनल वायलेंस है और हिंदू कम्यूनिटी को शुरू में बाकायदा टारगेट किया गया सैडली और फिर जब राइट्स होते हैं तो फिर एक बोर्ड उससे सफ़र करते हैं और जो राइट्स करने वाले थे वो फॉरेन फंडेड लोग थे और बेचारे ना तो आम मुस्लिम उसमें इन्वॉल्व थे ना उसमें में हिंदू इन्वॉल्व थे ना सिख इन्वॉल्व थे ये जिनके इंटरेस्ट थे वो इन्वॉल्व थे और ये फॉरेन फंडेड लोग थे कुछ अपोजिशन के लोग भी उनके साथ शामिल हो गए कि किसी तरह से हम बीजेपी की सरकार को उसमें डेमोनाइज़ करें लेकिन ये सारे का सारा एजेंडा उनका फेल हुआ अनफॉर्चुनेटली फिफ्टी थ्री के करीब लोग मरे मासूम लोग मरे और आ, इसके साथ साथ आ, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई और भारत को ये अभी चैलेंज है और आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि आने वाले महीनों सालों में ये चैलेंज आ, पर भारत की सरकार ओवरकम होगी सदर ट्रम्प की वहाँ मौजूदगी पर यह राइट्स हुए सदर ट्रम्प को दिखाना चाह रहे थे और वही अब सूरत हाल अमेरिका में भी चल रही है अमेरिका पर आने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा जिन्होंने हमारे यूट्यूब के ट्विटर अकाउंट को आ, नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फेसबुक पर लाइक like करें फॉलो करें हमें ट्विटर uh, अकाउंट पे और इंस्टाग्राम uh, पे और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें टैग टी वी सुपर चैट लाइव में हम आपके साथ मौजूद हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ अक्टूबर ट्वेल्व का जो करंट अफेयर्स का सिचुएशन है वो uh, आपके सामने है और ये भी हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे कंसर्न शेयर किए जा रहे हैं और हमारे साथ सैकड़ों सैकड़ों हमारे व्यूर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और टैग टी डॉट मी जो हमारा पे पॉल का अकाउंट है पे पॉल डॉट मी टी वी इंटरनेशनल पे डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल पर हमें आप कॉन्ट्रीब्यूट ट्वेंटी फोर सेवन एराउंड द ईयर कर सकते हैं देखिए ये जो सुपर चैट होता है ना आपके लिए ना मेरे लिए आसान होता है इस सुपर चैट में हमें अलर्ट रहना होता है और हमें देखना होता है कि क्या आपका कंसर्न है क्या कमेंट है क्या क्वेश्चंस है वो हम देख रहे होते हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं अब उनको एड्रेस भी शुरू आ, करूंगा मगर इससे पहले मैं थोड़ी सी कमेंट्री कर लूं अमेरिकन पॉलिटिक्स में अमेरिकन पॉलिटिक्स की जो सूरत हाल है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प और कोविड की पॉलिटिक्स चल रही है कोविड एक बहुत बड़ी रियलिटी है कोरोना पेंडेमिक से पूरी दुनिया सफ़र हो रही है भारत भी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है और हमें पता है कि ये पेंडेमिक ओरिजिन क्या था ऑफ़ कोर्स चाइना था और ये काफ़ी बड़ा कंसर्न चल रहा है ऑफ़ कोर्स कोविड पर अब अमेरिका में पॉलिटिक्स हो रही है जो वहाँ की डेमोक्रेट पार्टी है जो लेफ़्ट के वहाँ पर लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोविड पे पूरी पॉलिटिक्स करें और ज़रा ज़रा सी बात पे कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मास्क नहीं पहना था माइक पेंस ने मास्क नहीं पहना था इस तरह की गैदरिंग हुई वो ये बना रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ऑफ कोर्स वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो अपने रंग से कर रहे हैं कि वो शुरू दिन से कह रहे हैं कि हम इससे डरे नहीं हम इससे घबराते नहीं हम अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखेंगे हम अपनी आज़ादी को कायम रखेंगे हम हम इससे नहीं डरेंगे इस वायरस से अनफॉर्चुनेटली सैडली प्रेजिडेंट ट्रम्प को ख़ुद कोविड नाइन्टीन की इन्फेक्शन हो गई अब वो एक बहुत बड़ा मसला बना उन्होंने अब मीडिया ने कहा कि डाउन प्ले कर रहे हैं बहुत सारे मीडिया के लोगों ने शुरू में कहा कि बहुत बुरा हाल होगा प्रेजिडेंट ट्रंप का हम उनके लिए दुआ करते हैं लेकिन सेवेंटी फोर ईयर्स हैं उन वो मोटे भी हैं उनकी हेल्थ ईशूज़ भी कुछ हैं तो बहुत कंसर्न है लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प दो तीन दिन बाद ही वापस आ गए बल्कि ढाई दिन बाद ही वापस आ गए वाइट हाउस में और वो हॉस्पिटल में भी जब थे तो वहाँ पर भी बैठे अपने वीडियो रिलीज़ करते रहते थे तो प्रेजिडेंट ट्रम्प भी एक डेडिकेटेड डिटर्मेंट uh, आदमी है uh, तो उन्होंने भी उस फाइट में भरपूर हिस्सा लिया फिर वो जब उन्होंने इस वीकेंड के मौका पर अपनी बैलकनी में आके पब्लिक uh, से एड्रेस किया अब वो एक बौचाल वहाँ पे मचा हुआ है बहुत सारे लोग जो हैं कंसर्न ये कहते हैं जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप साइंस पे बिलीव नहीं करते उनका ये कहना है कि मेरा डॉक्टर कह रहा है कि अब ये जो पेंडेमिक की ट्रांसमिशन है वो नहीं होगी तो बड़ी अजीब वरीब सूरत हाल है अब वो अपोजिशन बार बार प्रेजिडेंट ट्रंप से ये कह रही है और प्रेजिडेंशल डिबेट में भी ये बात उठी और इसके साथ साथ इस डिबेट में भी ये बात उठी जो माइक पेंस की और कमेला हेरिस की हुई थी कि भई आप लोग साइंस पर बिलीव नहीं करते और आप लोग मानते नहीं हैं तो तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि बात यह है कि हम तो बिलीव करते हैं लेकिन अब फैला हुआ है तो डेमोक्रेट्स वाले कहते हैं कि भाई आपकी मिस हैंडलिंग की वजह से फैला है और इनका यह कहना है कि भाई हमने हमारी कोई मिस हैंडलिंग नहीं है रिपब्लिकन रेपप्लिक वाले, वाले कहते हैं यह मामला ही इतना बिगड़ा हुआ है तो यह सिचुएशन है मैं थोड़ी सी और बातचीत इस, इस मौजू पर करूँगा और क्वेश्चन भी आपके लूंगा मैं चाहूँगा कि प्रेजिडेंट ट्रंप ने इस वीकेंड पे जिस तरह एड्रेस किया और जो वहाँ पे एक एंथ्यजम हमें देखने को मिला वो आप भी एक बार झलक देखिए द प्रेजिडेंट ऑफ दूनाइट स्टेट Thank you very much and keep that enthusiasm going. Get out and vote. We got to vote. We got to vote these people into oblivion. Vote them into oblivion. First of all, I'm feeling great. I don't know about you. How's everyone feeling? Good. And I'm honored to welcome, we call this a peaceful protest, to the White House in support of the incredible men and women of law enforcement and all of the people that work so well with us, and I have to tell you, our black community, our Hispanic community, thank you very much. Thank you. We're starting very, very big with our rallies and with our everything because we cannot allow our country to become a socialist nation. We cannot let that happen. And I have to say, there's been more enthusiasm. We have had more enthusiasm right now, right now, this year. Than we had four years ago by a factor of three times. And we had a lot. And they had none. They have no enthusiasm. There's a spirit the likes of which this country hasn't seen in a very, very long time so i just want to thank you all for being on the white house lawn, this beautiful, great lawn. but i just want to thank most particularly you, because you people come out and you come out and you cheer and you love your country and you get it. you're way, way ahead of many, many people in this country. but the country is getting it. the country is seeing something now. We We thank you. तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका एंथोजिज़म वाकई आपने देखा बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस तरह के जो एड्रेस प्रेसिडेंट ट्रंप हॉस्पिटल से वापसी के बाद कर रहे हैं उस पर बहुत शोर मच रहा है और कहा जा रहा है कि ये बहुत इ है जो ये कह रहे हैं कि इ है वो भी अपना पोलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं जब नैन्सी पलोसी एक हेयर सलोन में बगैर मास्क के गई थी खुद ही उन्होंने कहा हुआ कि मास्क पहने जाएगा तो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मगर बहरहाल बहुत आर्ग्यूमेंट है वो कह रहे हैं कि प्रेजिडेंट ट्रंप का जो कहना है इतने बड़े मजमे में वो स्प्रेड हो जाएगा इन्फेक्शन तो वो अपना पोलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं और ऑफ़ कोर्स प्रेजिडेंट ट्रंप अपना पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इसकी परवाह ही नहीं करते वायरस की और वो ये कहते हैं कि हमें अंदाज़ा है कि ये ये फैला हुआ है वो कहते हैं कि हमें अंदाज़ा है कि ये डेंजरस है वो ऐसा नहीं कहते कि ये डेंजरस और सीरियस इशू नहीं है लेकिन वो ये कहते हैं कि हम अपनी फ्रीडम को ख़त्म नहीं कर सकते और हमें इसका डट कर मुकाबला करना है और प्रेजिडेंट ट्रंप ख़ुद उसके विक्टम बने और अब वो आ, उससे आ, जो है उनको याबी मिल गई है उनका डॉक्टर बार बार कहता है कि जी वो बिल्कुल आ, पेंडेमिक को आगे जो कंटेज वो जो आगे पेंडेमिक को फैलाने वाले अब नहीं हैं उनकी ये सिचुएशन नहीं है तो भारत वो भी अपने पॉलिटिकल कार्ड्स खेल रहे ले हैं लेकिन वो अपनी पोजीशन पे खड़े हैं प्रेजेंट ट्रम्प और उनकी टीम और डेमोक्रेट्स अपनी पोजीशन पर खड़े हैं और इसके अलावा बहुत सारी बातें हो रही हैं एक तो ये कोविड का बहुत बड़ा फैक्टर चल रहा है इलेक्शन में दूसरा वो जो है वाइट सुप्रमेस का चल रहा है कि जी वो जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको नहीं आ, रिजेक्ट किया था अपनी प्रेजिडेंशल डिबेट में उन्होंने वो डॉच किया था तो कोई ये बात नहीं करता कि जो बाइडन ने भी तो डॉच किया था जब इंतफा की बात की तो उन्होंने कहा एफ ने कह दिया ये आइडियोलॉजी है ग्रुप नहीं है भाई अगर एफ ने कह भी दिया किसी एक फाइंडिंग में तो वो ग्रुप है नजर नहीं आता जो बाइडन को और उनके सपोर्टर्स को और उनके कि वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट का टेररिस्ट ग्रुप है इंतफा उसको नहीं मानते ये लोग और वो कहते हैं नहीं वो जो वाइट नेशनलिस्ट हैं वो वही मसला है अच्छा जो वाइट नेशनलिस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं मसला है मगर एंतफा वाले तो बहुत ही खौफनाक मसला है ब्लैक मलेशिया बना हुआ है ग्रुप तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में ये पॉलराइजेशन है मगर सबको ये अपने अपने एंगल से सिर्फ अपना अपना पॉइंट व्यू देता कहता है कि जी ये सिर्फ कोविड ही एक जो मसला है इसका पीछे प्रेजिडेंट ट्रंप की इरिस्पॉन्सिबिलिटी है मगर ये नहीं कोई देखता कि डेमोक्रेट्स वालों ने कोविड पर किस तरह की इमिच्योर पॉलिटिक्स की है ये ये वो बात नहीं करते बिल्कुल बात नहीं करते वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे और ये भूल जाते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प रिपब्लिकन्स वाले कोविड पर यही पोजीशन उनकी है उनकी पोजीशन है गलत है ये सही है इनकी पोजीशन है आप कहीं गलत है जो दूसरी तरफ गलत हो रहा है फिर उसको भी मान लें वो नहीं मानना वो सिर्फ ये है कि वो इस पर है अच्छा फिर वही वाइट नेशनलिस्ट की बात सारे करेंगे जो ये वाले लेफ्ट के लेफ्ट लीनिंग के लोग हैं जो उधर ब्लैक मलेशिया बना हुआ है जो इंतफा है वो नहीं कोई कोई को, कोई बात नहीं, नहीं वो खैर है वो, जिन्होंने लूटमार की जिन्होंने अमेरिका के शहरों को भी चलाया है वो कोई बात नहीं है वही जो डेली राइट्स में हुआ वो वन साइडेड स्टोरी रहेगी जो सूट करती है वो रहेगी लेकिन हम आपको अपने सुपर चैट में दोनों साइड की स्टोरी बता रहे हैं पोजिशन मेरी ये है कि आप दोनों साइड की स्टोरी देखें हाँ मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका में प्रेजिडेंट ट्रंप का री एलेक्ट होना मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरी पोजिशन है वो इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल जो आगे के हालात हैं उसके लिए और जो अमेरिका की इकनॉमिक सिचुएशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका रीअलेक्ट होना लेकिन ये फ़ैसला अमेरिकन के हाथ में है कि वो अगले इलेक्शन में किस को री एलेक्ट प्रजिडेंट ट्रम्प को करते हैं री एलेक्ट या जो बाइडन को ये चांस देते हैं ये अमेरिकन के हाथ में है लेकिन मैं या आप या मेरे से डिफरेंट सोचने वाला अपनी पोजीशन अपना ओपिनियन देने के लिए इंडिपेंडेंट है अब हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं और उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम अपनी बातचीत को आगे लेकर चलेंगे पाटल भाई ने क्रूपल पाटल भाई ने क्वेश्चन दिया कि क्या इमरान खान ये स्टेटमेंट देंगे कि एंटी शिया रैली में स्टेज पे तकरीर करने वाले सभी मौलाना रहा के एजेंट हैं वो तो सारे का सारा कंट्री जो उनसे एग्री नहीं करता सारी अपोजिशन पार्टियाँ और जो जो भी मीडिया का शख्स उनसे एग्री नहीं करता वो रॉक एजेंट है वो सिर्फ स्टेज पे बैठे हुए कुछ मौलाना की बात ही क्या है सब के सब जो हैं वो रॉक uh, एजेंट है यहाँ मैं क्वेश्चन और भी देख रहा हूँ हमारे नील पाटिल भाई का क्वेश्चन है कि वट इज़ पाकिस्तान मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी और इस्लामिक क्लैरिक्स डू यू थिंक सिविलियन गवर्नमेंट वुड बी एबल टू कंट्रोल दैम एवर बहुत ही क्वेश्चन है नील पाठल भाई कंट्रीब्यूट भी हमें कर रहे हैं थैंक यू और क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है पाकिस्तान आर्मी है या इस्लामिक लैरिक्स है या क्या है देखिए ये दोनों ही हैं और एक वहाँ पे एक्सप्रेशन हमेशा रहा नील भाई और हमारे तमाम देखने वालों साथियों कि मुल्ला मिलिट्री एलायंस मुल्ला मिलिट्री एलायंस तो ये एलायंस है तो मिलिट्री उनको यूज़ करती है मुल्ला उनको इतना यूज़ नहीं करते चूँकि मुला तो उनसे यूज़ होते हैं मुला का फ़ायदा है उसमें मिलिट्री इज़ ऑल इन ऑल इन इन पाकिस्तान तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है अब आपके सवाल का एक और एस्पेक्ट है कि क्या कोई स्ट्रांग सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो काबू कर सके या आपने पूछा सिविलियन गवर्नमेंट मैं उसमें स्ट्रॉन्ग का शामिल कर रहा हूँ देखिए सिविलियन गवर्नमेंट ने अब तक तो काबू नहीं किया ना कर सके बेनज़ीर ने बात की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी खालिस्तान के इशू पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो इस्टेबलिशमेंट के लोग हैं वही कर रहे हैं इसको उस वक्त चौधरी एतजाज़ एहसन मिनिस्टर थे की मिनिस्टर थे बेनज़ीर की कैबिनेट में उन्होंने भी इस बात को आ, माना तो अब सिविलियन गवर्नमेंट ज़रा सा ये माना तो आर्मी ने उनको चलता किया तो ये तो है आर्मी का वहाँ पर रोल तो कोई चांस नहीं है कि सिविलियन गवर्नमेंट गिवन सर्कमस्टांस में काबू कर सके अब जो नवाज शरीफ जो फर्म अपनी बातचीत आपको हमें दिखा रहे हैं और अब डायरेक्ट ये बात कर रहे हैं कि नहीं इनफ़ इज़ ए मुझे नहीं लगता कि इस सारे कहने के बावजूद वो इस पोजिशन में हैं कि वो उस पर काबू कर सकें अगर उनकी सरकार बन गई लेकिन पाकिस्तान आर्मी को अब अमेरिका की वो मदद नहीं मिल रही इनके पास वो पैसा नहीं है जो कभी हुआ करता था इस वजह से अब हो सकता है कि इनको सिविलियन गवर्नमेंट की बात सुनना पड़े मगर जो पीछे मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया था मोहसन दावड़ का उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के कई काम हुए कई तरह के एलाइंस बने आर्मी के ख़िलाफ़ लेकिन जब वो लोग पावर में आते थे तो वो ख़ुद भी काम नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब तक ये जैसे कहते हैं कैच ट्वेंटी टू वाला एक यहाँ पे एक्सप्रेशन है नॉर्थ अमेरिका में या वो के बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा वो वाला मसला है तो ये अभी तक एक चैलेंज है सिविलियन गवर्नमेंट कैसे काबू करेगी जब तक सारे पॉलिटिशियंस या मेजर पॉलिटिशियंस अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको भुला के खिलाफ नहीं खड़े होते अपनी सिविलियन और डेमोक्रेटिक सुप्रमेसी के लिए तब तक पाकिस्तान की आर्मी इस्टेबलिशमेंट पीछे नहीं हटेगी और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे पास और यह हर बार हमें सवाल करते हैं कि वट वाज रोल ऑफ पाकिस्तानी लीडर्स इन फ्रीडम स्ट्रगल आलमोस्ट फ्रीडम फाइटर्स फ्राम इंडिया ओनली अतल जी आ, अदा जी अनमोल उसका आ, पर तुम्हें क्या तुम्हें मुफ्त में मिलना आ, कीमत चो तो मुझे सम ये पढ़ना मुश्किल होता है तो देखिए जो जो हमारी पाकिस्तानी लीडर्स की जो फ्रीडम स्ट्रगल है अब वो है ये हमारे जो पश्तून साथी हैं ये मैं इनसे बड़ा होपफुल हूँ ये बहुत विजनरी लोग हैं ये सुपरफिशियल लोग नहीं हैं पॉलिटिकल कार्ड्स भी नहीं खेल रहे इनकी स्ट्रगल पुरानी है चाहे अफरा से आप खटक हों चाहे फरतुल्ला बाबर साहब हों बुशरा गोहर साहबा हों और अब ये नए लोग आए हैं मोसन दावड़ मंजूर पश्न अली वज़ीर तो ये लोग दिल से बात कर रहे हैं तो इनसे मैं होपफुल हूँ और ये कोई पाकिस्तान तोड़ने की बातें नहीं करते ये कहते हैं कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हमें यानी हमारे राइट्स दीजिए अफगानिस्तान भारत के साथ ये जो खाम खा की जंगें हैं ये जो दहशत गर्दी है ये बंद कीजिए बलोच अपनी फ्रीडम की स्ट्रगल कर रहे हैं उनको कुछ सपोर्ट नहीं है उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट उनको उनके राइट्स दें तो वो उनके साथ भी बात कर सकते हैं अलताफ़ हुसैन साहब ये बात कर रहे हैं सिधी नेशनलिस्ट ये बात कर रहे हैं उनकी बातों को काफ़ी रेडिकल समझा जाता है अब नवाज शरीफ ये बातें कर रहे हैं तो अब नवाज शरीफ पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप अलताफ़ हुसैन की ज़ुबान बरत रहे हैं तो काफ़ी इंटरनल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में अब आने वाले महीनों सालों में वो इंटरनल चैलेंजेस किस तरफ जाते हैं ये मैं भी देख रहा हूँ आप भी देख रहा हूँ जो गिवन सर्कमस्टांस हैं उनमें मुझे इनका अंदाज़ा है कि ये अच्छी तरफ नहीं जा रहे और जब तक पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट अपने रवैयों को नहीं बदलेगी उस रीजन में भी पीस नहीं होगा और जो उनके इंटरनल मसाइल हैं उन पर भी वो काबू नहीं पा सकेंगे हमारे प्रोड्यूसर श्युन लखन पाल जी बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं शिंजस भाई हर बार कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हर बार अपना क्वेश्चन भी हमारे साथ शेयर करते हैं ये भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है इन पाक मीडिया देर इज़ अ डिस्कशन गोइंग ऑन टू डिक्लेयर मेजर गौरव आर इ टेरिस्ट वाई मेजर गौरव आर्या जी हमारे दोस्त हैं आ, आ, अच्छे आदमी हैं वो भारत का अपना नुकता नज़र देकर आते हैं अब वो पाकिस्तान में टेररिस्ट उनको करार देंगे तो उनका क्या बिगड़ेगा क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान में टेररिस्ट तो नवाज शरीफ को भी अब कह रहे हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट तो पीपल्स पार्टी वालों को भी कहा जाता है तो इनको तो टेररिस्ट ये जो हमारे पश्तून लीडर हैं इनको तो सुबह शाम कहते रहते हैं तो जो पाकिस्तान में बैठे हुए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको वो टेररिस्ट टेररिस्ट और ट्रेटर ट्रेटर कहते रहते हैं अभी एक वीडियो क्लिप आया था नवाज़ शरीफ ने अपनी तकरीर में दिखाया था कि उसमें पाकिस्तान की हकूमत के अफसर कह रहे हैं कि भाई नवाज़ शरीफ पर टेररिज्म उनके साथियों पर टेररिज्म के मुकदमा बनाए जाएँ तो मेजर गौरव आर्या जी तो भारत में बैठे हुए हैं वो तो टेररस उनको कहने का मकसद यही है कि आवाम की डिस्ट्रैक्शन की जाए और मेजर गौरव आर्या जी पर तो ज़्यादा वो जो है ना फोकस की जाए मैंने मेजर गौरव आर्या जी का कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आप तो भारत में बैठे हुए हैं आर्मी के आप फॉर्मर मेजर रह चुके हैं आप टेलीविजन चैनल पर काम कर रहे हैं आउटस्पोकन हैं तो ये आप को ऑनर महसूस नहीं होता कि आपके पाकिस्तान में पुतले जलाए जा रहे हैं उस वक्त पुतले इनके जलाए गए थे मैंने कहा ये काम तो बड़े बड़े लोगों के लिए होता था तो मेजर गौरव आर्या जी बिल्कुल सेफ़ हैंड्स में भारत में बैठे हुए हैं वो खुद भी कहते हैं कि मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाओ लेकिन वो तो अपनी बातचीत कर रहे हैं इस वक्त तो वो टी पर अपना नेरेटिव दे रहे हैं तो वो तो वहाँ बैठे हुए हैं उनको टेररिस्ट कह के वो पाकिस्तान के जनता की थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन करना इनका काम है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट पोलिटिकल एक्टिविस्ट उनको टेररिस्ट और आ, ट्रेटर कह रहे हैं तो ये कौन सा ऐसा बड़ा इनका नया काम है बातचीत आप सुन रहे हैं सुपर चैट लाइव में, में मेरे साथ और जैसा कि आपको मालूम है हर मंडे वनसडे फ्राइडे को सुपर चैट हम ला रहे हैं वीकेंड पे हमारा स्पेशल आता है शो और इस वीकेंड पे हमारा शो था तारिक तारक़ जी के साथ वो यूट्यूब पे मौजूद है बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं उसमें और फिर जो हमने साथ कॉन्फ्रेंस को इस वीकेंड पे उनके वीडियोस आपके साथ शेयर किए और आज कुछ वीडियोस शेयर करेंगे उससे आपको अंदाजा होगा कि हम बहुत डायनामिक काम कर रहे हैं और हमारा एक और शो ट्यूसडे को आता है टॉक शो मेरी यूरोप में जो हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं मेरी कोशिश होती है उनको लेके मैं गिलगत बल्तस्तान और बलोचिस्तान पशतून बेल्ट सिंधी महाजर ईशोज़ हिंदू और क्रिश्चियंस और सिख की जो पर्सिक्यूशन पाकिस्तान में होती है इन इश्यूज पर बातचीत करूँ ह्यूमन राइट्स के सारे के सारे ईशोज़ हैं तो ट्यूज़े को आ, हमारे टोरंटो डीसी न्यूयॉर्क के समय के मुताबिक वो टू पी एम होता है आफ्टरनून में यूके के टाइम के मुताबिक सेवन पी एम होता है और भारत के समय के मुताबिक ज़रा काफ़ी लेट होता है आलमोस्ट मिड नाइट होती है मगर मुझे पता है कि हम जो भारतीय हैं देर तक जागने वाले हैं तो ज़रूर वो शो देखा करें और जो हमारे ऑलरेडी शोज़ लगे हुए हैं वो आप ज़रूर देखिए उसके साथ साथ जो हमारा सुपर चैट लाइव होता है उसके लिए आप हमें सुपर चैट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर डोनेशंस क्वेश्चंस कंसर्न्स एंड कमेंट्स और आप हमें पेपॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल के लिंक पर जो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होता है जाके आप हमें ट्वेंटी फोर सेवन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपका पेपॉल पर पे अकाउंट है और वो अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है आपकी ये कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है बहुत इंपॉर्टेंट है बातचीत हो रही है हम बिल्कुल एंड में जा रहे हैं और आखिर में हम चंद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं उनको ज़रूर ले रहे हैं और ये हमारा एक क्वेश्चन हमारे सामने Uh, जजाती मालिक जी का इज़ देर एनी चांस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर प्लीज़ गिव ओपिनियन देखिए हमारी तो भगवान से यही uh, दुआ है कि ऐसे ही कोई सिचुएशन कभी ना हो चुके इस वक्त दुनिया में इतने एटॉमिक बम और इतने मॉडर्न सिविलाइज्ड वेपन्स हैं कि वो बहुत ही इमेजन uh, करना भी इम्पॉसिबल uh, है कि ऐसी थर्ड वर्ल्ड वार अगर होगी तो ह्यूमैनिटी के साथ क्या होगा पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है मैं अगर अपनी ओपिनियन दूँ लेकिन ये प्रॉक्सी वार्स होती रहेगी आप भारत के मामले में देख लीजिए कश्मीर में और अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी वार कितने अरसे से चल रही है और फिर इसके साथ साथ जो नेरेटिव की वार है वो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट वो बहुत इम्पॉटेंट है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इस वक्त नेरेटिव की जंग चल रही है चूँकि हर तरह की इंफॉर्मेशन फैली हुई है हर तरह की ओपिनियन चल रही है वो वॉर चल रही है और उसी वॉर के ख़िलाफ़ हम भी चल रहे हैं हम कह रहे हैं कि नेरेटिव की इस वॉर में जो ट्रू पिक्चर है जो सच है वो हम आप तक पहुँचाएँ चूँकि ये जो नेरेटिव का प्रॉपागेंडा चल रहा है हर तरफ से दुनिया भर से तुर्की हो अल-ज़ज़ीरा हो आ, ये पाकिस्तान के इस्लामिस्टों हों और ये एक्सट्रीम लेफ्ट के इस्लामिस्ट हों इन सब से जो इनका नेरेटिव गलत है हम उसको काउंटर जितना कर सकते हैं कर रहे हैं आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसीलिए हमने ये सुपर चैट लाइव शुरू किया है इसीलिए आप हमारा साथ दे रहे हैं और आप हमारा साथ देते रहें पे पॉल डॉट मी स्लैश इंटरनेशनल पर ये नरेटिव की जो वार है जो स्ट्रगल है इसमें हम सच के साथ खड़े हैं आप हमारे साथ खड़े रहें अर्पित अग्रवाल जी भी हमें क्वेश्चंस पूछते रहते हैं ऑलमोस्ट हर शो में उन्होंने फिर पूछा

और इस तरह के आते रहते हैं लेकिन वो सब वैलिड नहीं है इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए वो तो बिल्कुल बेकार है आ, पाकिस्तानी जो हैं, वो कितना डोनेट करते हैं कश्मीर इशू के लिए देखिए पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट के सपोर्टर हैं क्रिकेटर रहे हैं शाहिद आफरी उन्होंने भी एक दफ़ा कह दिया था कि भाई हमसे तो चार सूबे नहीं संभलते हम कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं फिर उन्होंने पाकिस्तान इस्टबलिशमेंट उनके पीछे पड़ी ट्रोल्स उनके पीछे पड़े तो उन्होंने भी आके कहा नहीं नहीं मेरा ये मतलब हर नहीं था तो ये जो उन्होंने कहा था ये जनता की आम सोच है वो वाकई कहते हैं कि यार हमारे अपने मसायल खत्म नहीं होते रोटी नहीं मिल रही ये कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं कश्मीर कश्मीर के नाम पर बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस नहीं बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स अमेरिकन वर्थ की ये मनी ज़ाया कर चुके हैं वही मनी पाकिस्तान में यूज़ हुई होती वही मनी पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट पर लगी होती जो पाकिस्तान की वेलफेयर की इस्टबलिशमेंट है उसमें लगी होती तो शायद हालात बहुत, बहुत बेहतर होते मगर ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए वो वहाँ का बहुत बुरा हाल है तो बहरहाल ये तो सिचुएशन है कोई ऐसा सर्वे नहीं है कोई ऐसी स्पोर्ट नहीं है लेकिन वो ये कार्ड खेलेंगे चूँकि उनके इस कार्ड में ही उनका सर्वाइवल है आ, हमारे पास आ, चार पांच और क्वेश्चन रह गए हैं तो मैं प्रशांत मिश्रा जी का चाइनाज़ इंटरेस्ट इन कश्मीर देखिए बड़ा ही सिंपल है कि वो कश्मीर पे बैठ के भारत को ब्लॉक करना चाहता है पाकिस्तान से चाइना को कोई हमदर्दी नहीं है वो वो जो पाकिस्तान ने कश्मीर का हिस्सा उनको गिफ्ट किया था वहाँ पे बैठ के वो पाकिस्तान को भी अल्टीमेटली कंट्रोल करेगा और कर ही रहा है इन इं, डायरेक्टली तो कश्मीर में चाइना का ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि वो सर पे बैठा रहे और भारत को आ, आ, जो उसका अपना हिस्सा है रियासत जम्मू कश्मीर उसको खुल अपने इलाके में Uh, जो डेवलपमेंट्स के काम है वो ना करने दें तो महारा ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट है चाइना के लिए उसका अपना स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है अब इंटरनेशनल प्लेयर्स भारत के साथ मिलके किस तरह चाइना को वहाँ से पुश बैक करते हैं ये एक्टिविटीज़ आने वाले महीनों सालों में क्लियर होगी क्वेश्चंस और आ रहे हैं हमारे पास करण जी ने पूछा है कि विल इव ट्रम्प इज़ रियल विल ही रेस्क्यू पाकिस्तान फ्राम चाइना हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है बिल्कुल कोशिश होगी अमेरिका की ट्रंप की भी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को चाइना से बचाया जाए पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश है कि चाइना से हम बचें चूंकि वो चाइना के चुनल में जाना नहीं चाहते लेकिन वो वाला एलाइंस नहीं होगा अमेरिका और पाकिस्तान का ये मैं आपको दावे से कहता हूँ अगर ट्रम्प खासतौर पर री इलेक्ट होते हैं जो कभी पहले रहा कि पाकिस्तान कि भारत में जो जो प्रॉक्सी टेररिज्म होती थी उस पर अमेरिका अपनी आंखें बंद कर लेता था ये नहीं होगा लेकिन अगर ट्रम्प रीअलैक्ट हो गए तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगर पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट की विल हुई तो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की जाए चाइना से ये वाकई एक बड़ा ही सेंसटिव और डीप मसला है इस पर होगी उनकी कोशिश टाइम ट्रैवलर अकाउंट है यूट्यूब पर उन्होंने पूछा है कि विल फैटफ हेल्प इन क्लिपिंग इस्टब्लिशमेंट विंग्स देखिए फैटफ पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट के जो विंग्स हैं उनकी क्लिपिंग करना ना करना उनका काम नहीं है वो मनी लॉन्ड्रिंग पर फोकस है और उसकी वजह से अगर फैटिफ ठीक तरह से काम करता है तो उससे क्लिपिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी इस्टबलिशमेंट के विंग्स की तो अब ये देखना है कि इक्कीस बाईस तेईस को जो फैटफ का अजलास अक्टूबर के महीने में होने जा रहा है उसमें क्या वो डिसीजन लेते हैं उससे फिर अंदाज़ा होगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग पर जो फोकस कर रहे हैं फैटिव कितना प्रेशर जब पहले वो ले लिया करते थे एजेंडा अमेरिकन एजेंडे को टो कर लिया करते थे अब वो कितना टो करेंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा बातचीत सुन रहे हैं आप सुपर चैट में टैग टीवी के और हम बिल्कुल अपने एंड पे आ, आ चुके हैं और आ, आखिरी दो एक क्वेश्चन रह गए हैं हमारे पास तो उनको हम एड्रेस करते हैं एक क्वेश्चन सामने है वट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस सेलेक्टिव हरासमेंट ऑफ अर्नब गोस्वामी एंड रिपब्लिक टी वी नेटवर्क ड्रग्स आई से आई एस आई बॉलीवुड नेक्सस बिल्कुल ये है अर्नब गोस्वामी जी भी डटे हुए हैं और वो अपने मीडिया के कार्ड से भी पोलिटिकल तरीक़ों से खेलते रहते हैं चूंकि उनको भी पता है कि किस तरह हैंडल करना है लेकिन उनके पीछे उनको स्नप करने में ऑफ कोर्स फॉरेन फंडिंग भी है तो पहले भी उन पर बहुत प्रेशर आया था तो उन्होंने टैकल कर लिया था तो अर्नब गोस्वामी मेरा ख्याल है कि इसको भी टैकल कर लेंगे आखिरी एक, एक दो सवाल जो रह गए हैं हाउ शेम लेस इज़ इमरान खान मैंने इस पर कई दफ़ा बात की वो पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है जो हम पाकिस्तान के पंजाबी में पंजाब में बरता करते थे कि बंदा टीट होना चाहिए इज़्ज़त आनी जानी है। तो इमरान खान साहब का यही मौकफ है कि बंदे को डीट होना चाहिए स्टबन होना चाहिए इज़्ज़त की खैर आती जाती रहती है तो मैं इतना ही कमेंट करूँगा कि यही इमरान खान का मोटो है तो उनको अपनी शेम लहस होने पे कोई चिंता नहीं है जी प्राभत मिश्रा जी हाउ इंडिया शुड डील विद पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सत्तर तिहत्तर साल से भारत को ये क्वेश्चन फेस करना पड़ रहा है मेरा ख़्याल है जिस तरह इस वक्त मोदी जी डील कर रहे हैं वही तरीका है पहले ये होता था कि सरकारें आती थी इवन मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता था वाजपेयी जी की वो भी डॉज हो गए थे वो भी फिर आ, वो उसी तरह के टेबल टॉक पे आ गए थे ये सोचे बगैर कि जब तक असल मुद्दे ये टेररिज्म के सॉल्व नहीं होते टेबल टॉक का कोई फायदा नहीं है मोदी जी ने इस पर यह तय किया कि नहीं ये टेबल टॉक कोई टॉक नहीं हो सकती जब तक ये टेररिज्म प्रैक्टिकली ख़त्म नहीं होती और दुनिया कन्विंस नहीं होती और हम भी कन्विंस नहीं होते तो यही रास्ता है डील करने का और वो कर रहे हैं वायल्ड पार्क इज़ प्रस्ट्रेट विद करप्शन एंड पोटिशन फाइटिंग टू स्टे इन पावर वेयर इज़ द पाकिस्तान यूनिफाइड फॉर बेटर फ्यूचर अपार्ट फ्राम इस्लाम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भाई इस्लाम के अलावा कौन से वो हैं मुद्दे जिन पर वो पाकिस्तान की जो फोर्स हैं एंटी करप्शन हो जाएँ या डेमोक्रेसी के लिए यूनाइट हो जाएँ नहीं है देखिए करप्शन के बारे में करप्शन तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं चलती रहती है सैडली बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में भी चलती रहती है मगर डेमोक्रेसी का जो जर्नी है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए तो पाकिस्तान में वो नहीं ख़त्म होता अब करप्शन पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिकल जो सर्कल्स हैं उनमें ही नहीं है उनसे ज़्यादा आर्मी के सर्कल्स में है लेकिन आर्मी अपने आप को उससे अलग कर लेती है तो इस सारी सिचुएशन में आ, जो यूनिफाइड फोर्सेस हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही वो मुझे भी नज़र नहीं आ रही चूँकि है नहीं वो इनफैक्ट है नहीं अलग अलग अपने अपने राग लोग अलाप रहे हैं जो पश्तून बेल्ट के लोग हैं वो बहुत विजनरी हैं वो अपनी बातें कर रहे हैं और वो ठीक कर रहे हैं वो पाकिस्तान का उन्होंने ठेका भी नहीं लिया हुआ वो यही कहते हैं कि हमारे इस पखतूनस्तान में ये ह्यूमन राइट्स की वाइलेशन ख़त्म होनी चाहिए हम सिर्फ उसके लिए फ़ाइट करेंगे फेर अनाफ वो ये बात कर रहे हैं नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की बात करते हैं बिकॉज़ अब वो पूरे बड़े प्रोविंस पंजाब के, के लीडर हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के लीडर हैं तीन बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं लेकिन अब उनकी भी टोन यही लग रही है कि ज़्यादा उनका फोकस पहले भी पंजाब होता था अब ज़्यादा पंजाब होगा और जो जो उनके साथ मिल सकेंगे तो वो होंगे तो अब नवाज शरीफ चेंज हो आते हैं कि नहीं सिर्फ बातें चेंज होने से बात नहीं बनेगी इसमें उनका भी सर्वाइवल है पाकिस्तान का भी सर्वाइवल इसमें है अगर वो यूनिफाइड पश्तूनों के साथ बलोचों के साथ महाजरों के साथ सिंधियों के साथ हो जाते हैं तो यूनिफाइड चीज स्टेट रह जाएगी नहीं होगी तो फिर अपनी अपनी अलग अलग ये फाइटी करते रहेंगे और फिर जब इंटरनेशनल स्टेक होल्डर जब उनके इंटरेस्ट आएंगे जब वो ऑन बोर्ड होंगे तो फिर कुछ डिसीजन होंगे या तो ये पाकिस्तान की स्टेबलिशमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक इदारों पर छोड़े जो छोड़ती नज़र नहीं आ रही डेमोक्रेटिक इदारे यूनिफाइड होते नज़र नहीं आ रहे तो ये चैलेंज अभी चलेगा बिल्कुल आखिरी कोई क्वेश्चन अगर है तो आ, इफ़ इन पाकिस्तान आर्मी इज़ डूंग बिजनेस विद कंट्री दैन वाई दे आर नाट ऑनस्ट विद यर कंट्री बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है मैं बहुत आप, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े रेलिवेंट क्वेश्चन जनरली मुझे देते हैं देखिए वो अपने जो जनरल्स हैं और बड़े बड़े ये जो आर्मी के लोग हैं ये अपने साथ सिंसियर हैं सिर्फ अपने पर्सनल इंट्रेस्ट के लिए कंट्री के इंटरेस्ट की ये बात तो करते हैं और ये ये समझते भी है कि ये कंट्री का इंटरेस्ट इसमें है मगर इनको ये नहीं पता कि कंट्री का इंटरेस्ट इसमें नहीं है बलोचों को मारना कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है भारत के साथ टेरिज़म करना कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है पश्तूनों को मारना सिंधियों को महाजरों को मारना इंटरेस्ट नहीं है तो अगर ये बातें होती तो फिर हम समझते कि ये वाकई कंट्री के साथ सेंसियर हैं जिस तरह अहमदियों शीयों के साथ बुरा सलूक होता है जिस तरह हिंदू क्रिश्चियंस और सिख कम्यूनिटीज़ के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है अगर ये सलूक ना होता तो हम समझते कि ये सेंसियर हैं ये नहीं सेंसियर हैं बातचीत आपने सुनी टैग टीवी वी चैट में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एड्रेस किए और आने वाले दिनों में हम फिर आपके साथ यही कमेंट्री करंट अफेयर्स जो उस दिन के होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे और आप टैग टी वी चैट पर जो कंट्रीब्यूट करते हैं हम बहुत ही आपके धन्यवाद हैं बहुत ही शुक्रगुजार हैं इसके साथ साथ जो आप हमें पे पॉल पर जो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं आपकी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन जैसा कि आप करते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है उससे हमें आपकी इंगेजमेंट का पता चलता है और हम आपके साथ एंगेज और होते हैं हमें आइडिया होता है कि आप आप इस नरेटिव परिवार को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे पेपॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल ये वीडियो आ, हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी होता है हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा होता है आप पेपॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल के राय हमें ट्वेंटी फोर सेवन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डोनेट कर सकते हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे आज का सुपर चैट लाइव ताहिर गोरा के साथ करंट अफेयर्स पर देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत होगी मुलाकात होगी सुपर चैट में वेनस्डे को और कल ट्यूजडे को आप हमारा यू के टी वी टॉक शो स्ट्रीम लाइव में देखना ना भूलिए और जो पहले भी हमारे लगे हुए हैं वो भी आप देखिए और इसके साथ साथ आज हम साथ के जो वीडियोस आपके साथ और शेयर करेंगे स्ट्रीम वीडियो में 215 से ऑनवर्ड वो भी आप देखिएगा हमारा आज का सुपर चैट देखने का बहुत शुक्रिया Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.